कोकोनट यानी नारियल एक ऐसा फल जिसकी डिमांड भारत में हमेशा रहती है। भारत में इसकी डिमांड 12 महीने रहती है। दोस्तों ये जो कोकोनट है ये दो टाइप के होते हैं, एक टेंडर नारियल जिसे हरा वाला नारियल भी कहते हैं, ये स्पेशली यूज किया जाता है पीने के लिए, और बात करें तो सबसे ज्यादा इसकी डिमांड जो होती है वो गर्मियों में होती है। दूसरा है सूखा नारियल, इसका यूज मेनली पूजा पाठ में, शुभ कार्यों में और नारियल के तेल निकालने में इसका यूज किया जाता है। ये मार्केट में 50, 60, 70 रुपए तक बिकता है। अगर आप नारियल का बिजनेस करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा आइडिया है, जिसमें प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होता है, हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है और जो हमेशा चलने वाला बिजनेस है, इसको आप इसका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डे बाय डे इसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है। आपने खुद इस चीज को रियलाइज किया होगा कि पहले इसकी डिमांड इतनी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज के डेट में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। आज के वीडियो में कुछ पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप नारियल का बिजनेस कर सकते हैं, नारियल का बिजनेस कैसे किया जाए, नारियल को परचेज कहां से करना है, सबसे सस्ते रेट पे नारियल आपको कहां से मिलेगा, इसको बेचना कैसे है, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, और इससे रिलेटेड सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो पे डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको चाहे वो होलसेलर हो, रिटेलर हो या फिर आपको बीच में एजेंट बनना है, तो वो सारी चीजों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड आपको पूरी जानकारी इस वीडियो पे मैं दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप रिटेल का काम कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, होलसेल का काम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, अगर आप एजेंट का काम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, हर एक चीज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूँ। तो आज मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ कि नारियल का बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर वन की। पॉइंट नंबर वन ये है कि सबसे पहले दोस्तों आपको अपने एरिया में ये सर्च करना है, ये थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करनी है कि किस तरह के नारियल की डिमांड आपके एरिया में है। मोस्टली ज्यादातर एरिया में जो डिमांड होती है वो हरे नारियल की, दैट इज टेंडर कोकोनट की डिमांड सबसे ज्यादा होती है, और दूसरा सूखा नारियल, इसकी भी डिमांड हर जगह होती है। तो आप दोनों टाइप के बिजनेस को कर सकते हैं। नारियल पानी के लिए ज्यादातर टेंडर कोकोनट मतलब हरे नारियल का यूज होता है, और ये स्पेसिफिक सीजन में सबसे ज्यादा इसकी सेल होती है। बात करें तो गर्मियों में इसकी सबसे ज्यादा सेल होती है। सूखे नारियल की बात करें तो इसकी सेल पूरे साल होती है। मैं कहूंगा कि आप दोनों टाइप के बिजनेस को कर सकते हैं, सूखे नारियल का भी और हरे नारियल का भी, जिससे भी आपको स्टार्ट करना हो उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। पॉइंट नंबर टू की बात करते हैं लोकेशन। आप जहां पे ये स्टार्ट करना चाहते हैं सबसे पहले आपको उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी, क्योंकि नारियल का जो बिजनेस है, मैं हरे नारियल की बात कर रहा हूं, हरे नारियल के बिजनेस के लिए आपको सबसे पहले एक ऐसे लोकेशन को चूज करना होगा जहां पे लोगों का आना जाना हो, मार्केट हो या फिर हाईवेज वगैरह हो जहां पे लोग स्टे करते हो, रुकते हैं, वहां से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप होलसेल करना चाहते हैं तो होलसेल के लिए आपको चाहिए एक स्पेस, जो ऐसा स्पेस हो जो मार्केट के आसपास हो, कोई सब्जी मंडी हो, फल मंडी हो, वहां के आसपास आपको एक रूम लेना है जहां पे इसको स्टोर करना है, क्योंकि वहां पे आप इकट्ठा माल मंगा के उसको आप स्टोर कर सके, एक ऐसा वहां पे रूम की लेने की जरूरत है। पॉइंट नंबर थ्री की बात करें तो परचेज ऑफ कोकोनट, कि आपको परचेज कहां से, कोकोनट को कहां से परचेज करना है। बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। जो नेक्स्ट है वो आपको एक चीप रेट पे मिलना चाहिए, एक सस्ते दाम पे मिलना चाहिए, जिससे कि आपको प्रॉफिट ज्यादा हो पाए, और जहां से भी आप इसको परचेज करें वहां से आपके शॉप तक, आपके दुकान तक, जहां पे आप बिजनेस करना चाहते हैं वहां तक का ट्रांसपोर्टेशन को भी आपको देखना पड़ेगा और मैनेज करना पड़ेगा कि कम से कम रेट पे कौन से ट्रांसपोर्ट वाले हैं जो आपके प्रोडक्ट को आपके लोकेशन तक पहुंचा दे। ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी। एक चीज आप समझिए दोस्तों, अगर किसी प्रोडक्ट को आप कम दाम पे लेना चाहते हैं, सस्ते रेट पे लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको उस क्षेत्र में जाना पड़ेगा जहां पे इसकी उत्पादन सबसे ज्यादा होती है। बात करें कि सबसे ज्यादा किस स्टेट में कोकोनट का उत्पादन होता है, जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो आपका तमिलनाडु, केरला, गुजरात, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पे सबसे ज्यादा कोकोनट आपको मिलेंगे, वहां पे सबसे ज्यादा इसकी खेती की जाती है। बात करें केरला की, तो केरला जो है वो भारत में सबसे ज्यादा कोकोनट का उत्पादन करता है। वहां पे एक मंडी लगती है कोजीकोट, कोजीकोट मंडी में सबसे ज्यादा यहाँ पे कोकोनट आते हैं।
कोझिकोड एक बहुत ही सुंदर जगह है, आप टाइम निकाल के वहां पे घूमने के तौर पे जाए और वहां पे अपने बिजनेस को भी आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं। केरला का कोझिकोड मंडी जो है बहुत ही बड़ी मंडी है जहां पे नारियल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर फोर की। पॉइंट नंबर फोर की बात करें तो जब कभी भी आप नारियल की मंडी में आप जाएंगे तो वहां पे आपको नारियल के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलेंगी कि इनके ग्रेड कौन कौन से होते हैं। ग्रेड, ये तीन टाइप के इनके ग्रेड होते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं, ग्रेड जो होती हैं ये उनकी क्वालिटी और साइज पे होती है। जैसी उनकी क्वालिटी होती है, जैसा उनका साइज साइज होता है, वैसा उनका ग्रेड होता है। बात करें कि इनकी थोक रेट की, इसका जो थोक रेट है वो 15 से लेके 25 रुपए तक होता है, जिसमें आपका ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी तीनों आते हैं। ये जो मैंने आपको बताया है ये कच्चे नारियल का बेसिक रेट है, ये बेस रेट है जो वहां पे आपको मंडी में मिलेगा। बात करें कि सूखे नारियल की, सूखे नारियल का रेट कुछ अलग होता है। एक चीज आप भी समझते हैं कि जो रेट होता है वो हमेशा उत्पादन पे डिपेंड करता है। अगर उत्पादन ज्यादा है तो रेट कम होगा, उत्पादन कम है तो रेट ज्यादा होगा। तो एक फॉर्मूला के तौर पे देखा जाए तो उत्पादन और रेट हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर रेट कम है मतलब उत्पादन ज्यादा हुआ है, इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। कई लोगों ने अपने YouTube पे ये बताया है कि वहां पे आपको नारियल 6 से 7 रुपए में मिल जाएंगे, 8 से 10 रुपए में मिल जाएंगे। तो ये हो सकता है कि जब उन्होंने वीडियो बनाया हो वो तब का हो, या फिर उन्होंने गलत वीडियो बनाया है। इसका एक्चुअल रेट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर आप मंडी में जाएंगे तो आपको वहां का एक्चुअल रेट पता चलेगा। नारियल खरीदते टाइम एक सबसे बड़ी चीज आपको ध्यान रखना है कि वहां पे आपको ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी तीनों कैटेगरी के प्रोडक्ट को लेने हैं, तीनों कैटेगरी के नारियल को लेने हैं। वो इसलिए क्योंकि वो चीजें आप मिक्स करके ले आएंगे तो जब आप रिटेल करेंगे या फिर होलसेल करेंगे तो उसकी एक अलग रेट निकल के आएगी, क्योंकि किसी की डिमांड होगी कम दाम पे उनको प्रोडक्ट मिले तो आप ग्रेड सी का दे दीजिए, जिसकी डिमांड होगी थोड़ी और अच्छी क्वालिटी की तो ग्रेड बी की दे सकते हैं, जिसकी डिमांड हो सुपर क्वालिटी की तो ग्रेड ए दे सकते हैं। ग्रेड के अकॉर्डिंग उनका रेट भी वेरी करेगा। जब आप नारियल ज्यादा क्वांटिटी में परचेज करते हैं तो वहां पे एक चीज आपको देखने को मिलता है, जब भी आप 100 नारियल्स या 100 नारियल परचेज करते हैं तो सिर्फ 5 या 10 आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है हर एक 100 पे। अगर आप 100 नारियल परचेज करते हैं तो वहां पे आपको 5 और कोई कोई 10 नारियल भी एक्स्ट्रा देता है। और इससे क्या होता है, आपका जो नेट रेट होता है, नेट प्राइस होता है, उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो एक चीज देखा जाए, ये जो 5 या 10 नारियल आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं ये आपके ट्रांसपोर्टेशन के खर्च को थोड़ा सा डाउन कर देते हैं, ये कम हो जाता है। अगर आपको 5 नारियल भी मिलते हैं तो करीब करीब आपके 25 रुपए या 20 रुपए के हिसाब से 100 रुपए आपके डाउन हो जाते हैं, और उसी 100 नारियल को लाने में कम से कम आपके उस ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम हो जाता है। कैसे आप अपने मार्केट में इन नारियल्स को बेच सकते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जब आप बड़ी मात्रा में नारियल को खरीदते हैं तो इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से बेचना भी पड़ता है, क्योंकि आपने जितने जल्दी, क्योंकि आपने ज्यादा मात्रा में नारियल को मंगाया है तो इसको जितने जल्दी आप सेल कर देंगे उतना ही जल्दी आपका प्रॉफिट सामने आएगा और नेक्स्ट ऑर्डर आप कर पाएंगे। बात करें कि इसको कितने दिन तक आप स्टॉक कर सकते हैं, तो आप कोकोनट को 20 से 30 दिन तक स्टॉक कर सकते हैं, उसके बाद इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगती है, ये खराब होने लगती है। बात करते हैं टाइप ऑफ सेलिंग, किस तरह से इसको आप बेच सकते हैं। इसको बेचने के कई तरीके हैं, एक आप रिटेल कर सकते हैं, दूसरा होलसेल कर सकते हैं, तीसरा कमीशन बेस पे दे सकते हैं, चौथा इसको फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। कमीशन या फ्रेंचाइजी दोनों एक ही है। अगर आप होलसेल करते हैं तो आपके जो कस्टमर्स होंगे कौन कौन होगा, जो फ्रूट्स वाले हैं, जो रिटेलर हैं, या फिर आपने अगर सूखा नारियल लिया है तो शॉपकीपर, जो किराना की दुकान वाले हो सकते हैं। अगर आप होलसेल करते हैं इसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन कम होती है, बट ये है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट कम टाइम में ही रोटेट हो जाता है। आपने एक गाड़ी माल मंगाया, 8,000 पीस मंगाया आपने, तो वो जल्दी सेल हो जाए, तो जिससे क्या होगा कि आपका नेक्स्ट ऑर्डर हो पाएगा। फ्रेंचाइजी एजेंसी या कमीशन की बात करें तो आप अलग अलग लोकेशन पे अपने बंदों को बैठा के उनको कुछ फिक्स कमीशन दे सकते हैं कि आपको एक प्रोडक्ट सेल करने पे 10 रुपए दिया जाएगा, आप उनको 100 प्रोडक्ट दे दीजिए, 100 नारियल के पीस दे दीजिए और उनको बोलिए आप सेल करें। जब भी वो सेल करेगा आपको 100 नारियल का पैसा दे देगा और उसका जो अपना प्रॉफिट है
या उसका जो अपना कमीशन है 10 रुपए, वो काट के आपको पैसा दे देगा। फिर जैसे ही वो ऑर्डर करता है, आप नेक्स्ट उसको दे दीजिए। इसी तरह से सर्कल आप चला सकते हैं। पानी वाले नारियल के लिए ये बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है, जिसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा होता है और होलसेल के साथ साथ आप इसको रिटेल भी कर रहे हैं, तो इससे आपका जो नारियल है वो बहुत जल्दी बिक जाता है। अगर आप चाहते हैं कि कम क्वांटिटी में ही लेके आप अपने बिजनेस को रिटेल करें, तो आपके आसपास जो भी होलसेलर हो आप उनसे कॉन्टेक्ट करें, उनसे जो है 200-400 पीस मंगा के आप अपने यहाँ रिटेल कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होगा। अगर आप चाहते हैं कि जो ये खरीदारी करना है, वहां पे जाना है, वहां से परचेज करना है, ट्रांसपोर्टेशन में इसको डालना है, फिर यहाँ पे उसको अनलोड करवाना है, इन सब हेडक से आप दूर रहना चाहते हैं, तो कुछ कंपनीज भी हैं जो इसका काम करती हैं। आप उनको ऑर्डर देंगे, वो आपको आपके लोकेशन पे जितने भी क्वांटिटी में आप कहेंगे वो आपके यहाँ पहुंचा देंगे। बट इसमें थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, क्योंकि जो भी आपको ट्रांसपोर्टेशन करता है, जो भी आपको नारियल आपके लोकेशन पे पहुंचाता है, उसमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन वो भी रखते हैं। इसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन कम होती है, क्योंकि कुछ कमीशन कंपनी भी रखती है। बट इसमें सबसे बड़ी चीज है कि आपका जो इतना हरासमेंट होना है वो नहीं होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, करें कि इसमें डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन सी जरूरत होगी। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो अगर आप होलसेल का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक ट्रेड लाइसेंस चाहिए, एक GST चाहिए, और वहां पे एक आपको शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की भी लाइसेंस लेना जरूरी है। अगर आप रिटेल करते हैं, तो रिटेल के लिए आपको लोकल अथॉरिटी से एक परमिशन लेनी पड़ेगी और कुछ भी नहीं लेनी। अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट की, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होता है। बात करें हम दोस्तों इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट आप भी समझते हैं, स्मॉल बिजनेस लो इन्वेस्टमेंट, लार्ज बिजनेस हाई इन्वेस्टमेंट। तो इसमें इन्वेस्टमेंट आप कई तरीके से कर सकते हैं। अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं, तो इसमें आपको करीब 1 से 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए के आसपास का एक्सपेंस आएगा। अगर आप रिटेल का काम करना चाहते हैं, तो इसमें आपको 200-400 पीस भी मांगा के आप रिटेल का काम कर सकते हैं। बात करें कि रिटेल में आपको 30 से 35 रुपए में मिल जाएगा। अगर आप 30 रुपए या 35 रुपए का भी रेट लेके चलते हैं, आपने 200 पीस मंगा लिया, तो 200 पीस 35 रुपए के हिसाब से आपके 7,000 रुपए में स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब इसको स्टार्ट करने के लिए आपको 10 से 12 हजार रुपए में आपका रिटेल का काम स्टार्ट हो जाएगा। होलसेल के लिए आपको 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च। बात करें इसमें प्रॉफिट की, प्रॉफिट की बात करें, अगर आप डायरेक्टली किसान से मंगाते हैं या फिर डायरेक्टली केरला से मंगाते हैं, कोझीकोड से, तो वहां से 8,000 पीस 10,000 पीस एक गाड़ी में आते हैं। हम एक 10,000 पीस का लेके चलते हैं, तो आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 या 3 रुपए का ही प्रॉफिट रखना है। अगर 2 या 3 रुपए का आप प्रॉफिट रखते हैं, तो 10,000 रुपए के हिसाब से, 10,000 पीस के हिसाब से 20 से 30 हजार रुपए आपके प्रॉफिट होंगे। बट ये चीजें हैं कि अगर आप मंगाते हैं एक गाड़ी और आप 15 दिन में इसको, इस पूरे माल को आप बेच देते हैं, इस पूरे नारियल के इस पूरे लॉट को आप सेल कर देते हैं, तो इसमें आपको 20 से 30 हजार रुपए के प्रॉफिट आराम से हो जाएंगे। हम बात करें कि रिटेल की, रिटेल में आपको 30 रुपए से 35 रुपए में खरीदना है और उसको 60 से 70 रुपए में बेचना है, तो इसमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा है, 40% 50%। अगर आप किसान से डायरेक्टली खरीद के इसको रिटेल करते हैं, तो इसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट है। 20 रुपए में आपको लेके इसको आराम से आप 50 से 60 रुपए में सेल कर सकते हैं, मतलब प्रॉफिट जो है वो इसमें ज्यादा। इसमें सारे एक्सपेंसेस को भी निकाल दिए जाएं, तो हम 12 से 15% या 20% हम एक्सपेंस निकाल दें। सपोज दैट आपने 10,000 पीस मंगाया, ठीक है, और उसमें आपका जो प्रॉफिट हो रहा है 3 रुपए के हिसाब से, वो 30,000 रुपए हुआ। हम 20% और निकाल देते हैं, तो करीब करीब एक लॉट में एक गाड़ी मंगाने पे आपको 25 से 26 हजार रुपए, 25,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट होगा। अगर आप इसको महीने में 2 बार भी करते हैं, तो ये एक अच्छा बिजनेस है। आप इसको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको हर एक चीज वो बताऊंगा कि कौन से मार्केट में आपको जाना है और कैसे इसको परचेस करना है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।